नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार के अब तक की बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में पर्यटन विकास की असीम संभावना होने की कही बात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए बिहार के ऐतिहासिक, धार्मिक और शैक्षणिक पुरातत्व एक वैज्ञानिक स्थलों को चिन्हित करने का काम सौंपा है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह मानना है कि बिहार में पर्यटन के विकास की काफी संभावनाएं हैं, जिससे पर्यटन की ओर संभावनाएं विकसित हो जाएंगी और साथ ही बिहार में पर्यटन की संभावनाओं को विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष एक अणे मार्ग पर सहित अनेक संवाद में इसके साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधान सचिव पर्यटन विभाग संजय कुमार ने बिहार पर्यटन नीति के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिहार में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। राज्य में आने वाले पर्यटकों की संख्या राजगीर, बोधगया और फिर वैशाली में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं। रोजगार सृजन में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज मनाई जा रही है हरतालिका तीज। आज भाद्रपद माह के शुल्क पक्ष के तृतीया तारीख को हरतालिका तीज मनाई जा रही है। आज ही के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने इस व्रत को किया था। कुमारी कन्याएं भी इस व्रत को रखती है ताकि उन्हें अच्छा पति मिल सके। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और राजस्थान में खासतौर पर इस त्यौहार को मनाया जाता है। सावन की हरियाली तीज से ये अलग होता है। आज के दिन विशेष रूप से गौरी शंकर की पूजा होती है और साथ ही व्रत करने वाली महिलाएं सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान कर श्रृंगार करना शुरू कर देती है। एक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की थी, इसलिए इसे हरतालिका तीज भी कहा जाता है। आज के दिन सभी महिलाएं निर्जला रहकर पूरे दिन व्रत रखती हैं और वहीं कल सुबह सभी महिलाएं पूजा के बाद अपना व्रत खोलेंगी। पटना एम्स के बाद पीएमसीएच में भी प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज जल्द होगी शुरू। पटना एम्स में अब तक प्लाज्मा थेरेपी के जरिए मरीजों का इलाज करवाया जा रहा था, वहीं पटना एम्स की तर्ज पर ही पीएमसीएच में भी प्लाज्मा थेरेपी से इलाज करवाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। पटना एम्स के निदेशक ने इसको लेकर सहयोग करने की बात कही है। कोविड 19 के बढ़ते मामलों के कारण पीएमसीएच में भी कोविड 19 के मरीजों के लिए कई तरह की सुविधाएं बढ़ा जाने की बात की जा रही है, जिसमें सीटी स्कैन, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे की सुविधा मुहैया करवाई जाने की बात कही गई है। आपको बता दें पटना एम्स में प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कई दिनों से इलाज जारी है और कई मरीज ठीक होकर घर वापस लौट चुके हैं। वहीं पीएमसीएच में प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने से पहले अधिकारियों ने बैठक भी की है, जिसमें यह फैसला लिया गया है कि यहां भी इस थेरेपी के जरिए इलाज शुरू किया जाएगा। राजधानी पटना समेत बिहार में अगले दो दिनों तक बारिश होने की जताई गई संभावना। राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में आने वाले दो दिनों में बारिश की संभावना जताई गई है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अपना पूर्वानुमान जारी किया है। साथ ही यह भी कहा है कि बारिश होने से गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। कुछ इलाकों में ठनका गिरने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से पटना समेत पूरे बिहार में दो दिन तक हल्की बारिश होने की संभावना बनती दिखाई जा रही है। आज सुबह भी राजधानी पटना में हल्की बारिश हुई है। बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। इतना ही नहीं, पटना मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी के ओडिशा तट के करीब कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसकी वजह से बिहार, उड़ीसा और झारखंड का मौसम बदलता दिखाई दे रहा है। बिहार में इस साल नहीं शुरू होगा एक भी नया आईटीआई। बिहार में सभी प्रखंड में औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान यानी कि आईटीआई खोलने की योजना इस साल सरकार की तरफ से नहीं पूरी की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बावजूद श्रम संसाधन विभाग ने इस दिशा में सकारात्मक कदम अभी तक नहीं उठाया है। इसी कारण इस साल भी बिहार में लगभग 5 दर्जन प्रखंड में आईटीआई खोलने का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। हालांकि विभाग के पास आवेदनों की कमी नहीं है। 100 से अधिक आवेदन लंबित है, लेकिन अधिकारियों के निरीक्षण नहीं करने के कारण सरकार ने योजना फिलहाल ध्वस्त नजर आ रही है। आपको बता दें पिछले साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के सभी प्रखंड में आईटीआई खोलने का निर्देश दिया था। तकनीकी शिक्षा को लेकर बिहार सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। इस नाते श्रम संसाधन विभाग को प्रमुखता से यह काम करने का आदेश दिया गया था, लेकिन विभाग ने अपेक्षित काम नहीं किया है। कोविड 19 के नाम पर मनमानी वसूली करने वाला प्राइवेट अस्पताल हुआ सील। कोविड 19 के नाम पर कई प्राइवेट अस्पतालों से मनमाने ढंग से फीस वसूलने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए ऐसे अस्पतालों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। यह वाक्य राजधानी पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र के पूर्वी इंदिरा नगर स्थित जेडीएम अस्पताल का है, जहां पर गुरुवार देर रात पुलिस प्रशासन की तरफ से इस अस्पताल को सील करवा दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार एसडीओ सदर सुल्तानिया की तरफ से मौजूदगी में यह कदम उठाया गया है। साथ ही अस्पताल को सील करने से पहले वहां वेंटिलेटर पर रखे गए दो मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट भी करवा दिया गया है, जबकि एक मरीज को अस्पताल प्रबंधन की तरफ से उसी दिन ही डिस्चार्ज कर दिया गया था। एसडीओ सदर के साथ ही एक अन्य मजिस्ट्रेट गुरुवार की देर रात जेडीएम अस्पताल भी पहुंचे थे। मिली जानकारी के अनुसार अस्पताल ने मनमाने ढंग से पैसे वसूली की थी। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जांच करने पहुंची सीबीआई टीम पहले दिन ही दिखी एक्शन मोड में। सुशांत सिंह राजपूत मामले को सीबीआई के हाथ में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सौंपे जाने के बाद पहले दिन से ही सीबीआई काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो दिल्ली से आई सीबीआई अधिकारियों की बैठक मुंबई में सांताक्रूज में एयरपोर्ट ट्रांजिट फैसिलिटी में हुई है। इसके साथ ही सीबीआई की टीम सुशांत सिंह राजपूत के बांद्रा स्थित आवास में मामले की जांच की शुरुआत करने वाली है, जहां पर 14 जून को संदिग्ध हालत में पाए गए थे। वहीं सीबीआई अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि वो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में किसी भी संदिग्ध को तब तक अपनी गिरफ्त में नहीं लेंगे जब तक उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। सीबीआई अधिकारियों ने
साथ ही साथ बातचीत के दौरान बताया है कि विशेष जांच दल के अधिकारी और एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ मुंबई में सुशांत के आवास पर पूरे सीन को फिर से दोहराने वाले हैं। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में 86 और पॉलिटेक्निक में 47 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया हुई तेज। इंजीनियरिंग कॉलेज और साथ ही पॉलिटेक्निक में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार आगामी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार रोजगार के अवसर मुहैया करवा रहे हैं। इसी क्रम में बिहार सरकार राज्य के विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों में 86 असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली करने वाले हैं। विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेज में 86 असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली तो होगी ही, साथ ही राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में 47 मैथ्स के व्याख्यात की भी बहाली की जाएगी। वहीं 86 में से यांत्रिकी के 36, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के 50 पद की बहाली की जाएगी। वहीं इस संबंध में बीपीएससी ने गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 25 अगस्त से 11 सितंबर तक करने की बात कही गई है। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन से जुड़ी जानकारियां www.bpsc.bis.nic.in पर जाकर लेने की सलाह दी गई है। रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट की चैट आई सामने। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद लगातार रिया चक्रवर्ती निशाने पर है। वहीं अब रिया चक्रवर्ती को लेकर हर दिन नए खुलासे भी हो रहे हैं। इसी बीच रिया चक्रवर्ती और निदेशक महेश भट्ट के बीच की बातचीत सामने आई है। रिया चक्रवर्ती डायरेक्टर महेश भट्ट के बीच की यह चैट सोशल मीडिया पर फैल गई है। 8 जून को जब रिया सुशांत के घर से गई थी तब उन्होंने डायरेक्टर महेश भट्ट से बातचीत की थी। महेश भट्ट को किए गए मैसेज में रिया ने कहा कि सर भारी दिल के साथ आपके साथ आखिरी बातचीत में मेरी आंखें खुल गई हैं, आप मेरे एंजल हैं, आप तब भी थे और आप आज भी हैं। वहीं रिया के इस मैसेज पर जो रिएक्शन महेश भट्ट की तरफ से दिया गया है वो हैरान करने वाला है। महेश भट्ट ने लिखा है कि पीछे मुड़कर मत देखना, अपने पिता को मेरा प्यार देना, वो अब काफी खुश हो गए। महेश भट्ट का यह चैट के दौरान रिया के पिता के नाम का जिक्र करने से इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद रिया के पिता उसके रिश्ते से खुश नहीं थे, वहीं रिया को सुशांत के साथ नहीं देखना चाहते थे। बिहार आ सकती है जम्मू कश्मीर से लौटने वाली अर्धसैनिक बलों की कंपनियां। जम्मू कश्मीर में तैनात अर्धसैनिक बलों की 100 कंपनियां वापस लौटने वाली है। गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों की वापसी के आदेश दे दिए हैं। लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में तैनात अर्धसैनिक बलों को अब दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया जा रहा है। संभावना जताई गई है कि पिछले साल जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद वहां अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई थी। बिहार में तैनात सीआरपीएफ की 10 कंपनियों को भी जम्मू कश्मीर भेजा गया था। हालांकि इसमें से 2 कंपनियां बाद में वापस कर दी गई थी। सीआरपीएफ की जिन कंपनियों को यहां से कश्मीर भेजा गया था वहां पर स्थिति नियंत्रण करने के लिए तैनात की गई थी। इसके परिणाम स्वरूप बिहार को 7 कंपनियां मिलने की उम्मीद। जम्मू कश्मीर से वापस बुलाई गई अर्धसैनिक बलों की 100 कंपनियों में से 40 सीआरपीएफ के हैं। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे श्वेता सिंह और दामोदर राव के बारे में। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे दामोदर राव और श्वेता सिंह की। दामोदर राव का जन्म आज ही के दिन 1977 को बिहार के नरकटियागंज में हुआ था। दामोदर राव पेशे से कंपोजर, गायक और सॉन्ग राइटर है। दामोदर राव अपने संगीत में क्लासिकल संगीत को ज्यादा महत्व देते हैं। वहीं अगर बात श्वेता सिंह की करें तो श्वेता सिंह का जन्म 21 अगस्त 1975 में बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। श्वेता सिंह आज किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। आज तक टीवी चैनल की वो एक जानी मानी न्यूज एंकर है। श्वेता सिंह ने अपने करियर में कई सारे न्यूज चैनल के साथ काम किया है। वहीं उन्होंने अपनी पढ़ाई भी राजधानी पटना से पटना वुमेन्स कॉलेज से पूरी की है। हालांकि साल 2002 से वो लगातार आज तक के साथ बनी हुई हैं। गंगा, कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक सहित कई नदियां लाल निशान के पार। बिहार में बाढ़ की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। राज्य के कई जिलों में नदियों के बढ़ते जलस्तर ने सबकी परेशानी बढ़ा रखी है। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरभंगा, सीतामढ़ी सहित 15 जिले बाढ़ की चपेट में फिलहाल नजर आ रहे हैं। वहीं गंगा, महानंदा, बूढ़ी गंडक, बागमती और कोसी सहित कई नदियां लाल निशान के ऊपर बह रही हैं। मिली जानकारी के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर साहिबगंज से लाल निशान के 100 सेंटीमीटर ऊपर देखा गया है। वहीं कहलगांव में लाल निशान से 31 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। गंगा नदी का जलस्तर गांधीघाट में 13 सेंटीमीटर और हाथीदह में 27 सेंटीमीटर ऊपर है। वहीं गंडक नदी का जलस्तर डुमरियाघाट में लाल निशान से 72 सेंटीमीटर ऊपर है और इसके साथ ही रेवाघाट में लाल निशान से 30 सेंटीमीटर नीचे है। बूढ़ी गंडक का जलस्तर रोसरा में 146 सेंटीमीटर ऊपर है। वहीं समस्तीपुर में 17 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया है। बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में नजर आ रहे हैं। ऐसे में नदियों के बढ़ते जलस्तर ने परेशानी बढ़ा रखी है। राजद को छोड़ने के बाद एमएलए जयवर्धन यादव ने राजद को लेकर की बयानबाजी। जदयू में शामिल होने वाले राजद विधायक जयवर्धन यादव ने राजद से निकलते ही राजद के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी है, जिसके तहत उन्होंने मीसा भारती के खिलाफ बोलते हुए कहा कि मीसा भारती उन्हें परेशान करने में लगी हुई थी। उन्होंने कहा कि लंबे समय से उन्हें परेशान किया जा रहा था लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। नीतीश कुमार के विकास कार्य में शुरू से विश्वास रहा है हमारा। विपक्ष ने हम लोग को चले गए लेकिन तब भी ऐसा नहीं लगा कि क्षेत्र में विकास कार्य रुक गया हो। जयवर्धन ने आगे यह भी कहा कि नीतीश कुमार विकास पुरुष है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनेताओं का दल बदल जोर पकड़ रहा है। राजद की तरफ से जदयू में आने वाले जयवर्धन यादव लालू परिवार के काफी नाराज नजर आ रहे हैं। जयवर्धन यादव का कहना है कि लालू परिवार की तरफ से बदनाम करने की कोशिश होती रही है, लगातार परेशान किया जा रहा है। बिहार कांग्रेस ने की नगर विकास मंत्री को बर्खास्त करने की मांग। बिहार कांग्रेस ने अब नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा को बाहर निकालने की मांग की है। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी दलों की तैयारी जोर शोर से चल रही। वहीं अब बिहार में कांग्रेस के निशाने पर नगर विकास मंत्री आ गए हैं। कांग्रेसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने सुरेश शर्मा को बाहर निकालने की मांग की। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर उन्होंने लोगों को
ठगा है। प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर का हाल और ज्यादा खराब है। स्मार्ट सिटी को लेकर सिर्फ कागजी तौर पर दिखावा किया जा रहा है। सभी विफलताओं की जिम्मेदारी नीतीश कुमार को खुद लेनी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पटना जैसे शहर का क्या हाल हुआ है, ये सभी देख रहे हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर यहां सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया गया है। बिहारी फैन के लिए सोनू सूद ने खरीदी भैंस। कोविड-19 के माहौल के बीच मसीहा बनकर सामने आए सोनू सूद ने अब एक और व्यक्ति की मदद के लिए सामने आए हैं। सोनू सूद लगातार देश विदेश में मौजूद जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहे। हाल ही में उन्होंने बिहार में एक शख्स को लेकर भैंस भी दी है, जिसका आज जिक्र करते हुए उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर खुद लिखा है और कहा है कि चंपारण के भोला ने बाढ़ में अपने बेटे और अपनी भैंस को खो दी है। उनकी आमदनी का एक लौता जरिया भी उसके इस नुकसान की भरपाई सोनू सूद ने और नीति गोयल के अलावा कोई नहीं कर सकता, जबकि उसे एक भैंस उपलब्ध कराई जाए ताकि वो अपने जीवन यापन के लिए कुछ धन कमा सके और अपने घर के लोगों का पालन पोषण कर सके। इसके जवाब में सोनू सूद ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं इतना एक्साइटेड अपनी कार खरीदते वक्त भी नहीं था जितना मैं तुम्हारे लिए भैंस खरीदते वक्त होऊंगा। तो भैंस का दूध जब भी मैं बिहार आऊँ तो भैंस का दूध जरूर पियाऊंगा। सोनू सूद के इस अंदाज पर उनके कई सारे फैंस सोशल मीडिया पर उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार कोविड-19 के इलाज के दौरान मनमाने ढंग से फीस की वसूली करने वाले प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब